है अनामिका घोष। इन एसएसटी सब्जेक्ट आई विल टीच यू द चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। दिस इज द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन मॉडर्न एज एवरीवन डिजायर टू हैव हाउस टू लिव, फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वेयर एंड फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर देयर चिल्ड्रन। But all this is possible only when they get employment so that they can earn enough and thus can fulfill their needs. This process is known as the economic development in economics. Economics subject mein economic development use kehte hain jab hum sabhi apni zaruraton ko pura karne ke liye employment karte hain, job karte hain ya koi kaam karte hain jisse मनी अर्न होता है और उस मनी से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के टर्म्स में। वी शैल लर्न क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट, इकोनॉमिक प्लानिंग, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, विजन इंडिया 2020। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अब ये जो डेवलपमेंट है वो आपके उसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब सबकी कमाई सालों साल से एक तो नहीं रहती, वो धीरे धीरे बढ़ती है, फिर महंगाई भी बढ़ती है, एवरीथिंग। और ये जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वह बहुत प्रोसेस बहुत रेगुलर है और हमें वो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन एक दो महीने या एक हफ्ते में कोई कंट्री रिच या पुअर नहीं हो जाती, उसको सालों लगते हैं। इसलिए और ये डिपेंड करता है उस कंट्री के नेशनल इनकम और पर्टिकुलर पर्सन के पर कैपिटा इनकम में। नेशनल इनकम मतलब साल पूरे ईयर में जो एक कंट्री कमाती है और पर कैपिटा इनकम पूरे ईयर में पर्टिकुलर पर्सन जो कंट्री का सिटीजन है वो कितना कमाता है एवरेज। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इन एंशियंट टाइम इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन स्पैरो। इट मींस दैट एट दैट टाइम इंडिया वाज अ प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड कंट्री। हियर द इकोनॉमी वॉज मेनली बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग, हार्डवर्क एंड म्यूचुअल ब्रदरहुड। प्राचीन काल में इंडिया को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। ये इसलिए इसका मतलब ये है कि हम प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे और डेवलप्ड कंट्री थे। और ये किस वजह से थे, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वह सिंपल लिविंग को फॉलो करते थे, मेहनत करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। अनाज प्रॉपर था, जो भी आपके खेती वगैरह होती थी, फर्टाइल लैंड था, फिर कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज थे, छोटे छोटे ट्रेड भी होता था और सब गांव तक में सब लोग हैप्पी एंड प्रॉस्परस थे। अ ग्रेट थिंकर कौटिल्य डिस्क्राइब दीज थॉट्स इन डिटेल इन हिज बुक अर्थशास्त्र। महान जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, कौटिल्य नाम था उनका, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक में ये सारी चीजें लिखी। उन्होंने कहा कि मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज, ह्यूमन वैल्यूज वेयर आल्सो गिवन इम्पोर्टेंट प्लेस। केवल हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि जैसे रहते थे वो लाइफ के बजाय थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक होना, मतलब धन कमाना भी जीवन में इम्पोर्टेंट है। और यूरोप में कैसा था, इन एंशियंट टाइम अ स्पेशल प्लेस वाज गिवन इन मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। द मर्केंटाइल थिंकर ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस कंसिडर्ड गोल्ड एंड सिल्वर एज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जिस कंट्री के पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा होता था वह डेवलप्ड होता था। उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से जर्मनी और फ्रांस के जो थिंकर्स थे वो ऐसा सोचते थे। According to classical economist Adam Smith, इनको father of economics भी कहा जाता है।
economic development has been defined as increase in goods and services of a country. इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसे कहते हैं जब हम किसी कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज बेहतर होता है, वो बढ़ता है या बढ़ता है. गुड्स मीन सामान, सर्विस मीन जॉब या नौकरी. कार्ल मार्क्स कंसिडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म कार्ल मार्क्स का थ्योरी था. उनके हिसाब से कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट थे. उनके हिसाब से कि सबको बराबर डेवलपमेंट का मौका मिले, उसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है. जे एस मिल ओपिनियन अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट. ही कंसिडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये जो थ्योरी है ये ही आज के ज़माने की आगे चलकर बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसको ही बेस बनाकर आगे काम किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर. इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसे कहते हैं, जे एस मिल की थ्योरी ये है, ध्यान से सुनिए. जे एस मिल कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी को माना जाता है जिस कंट्री में कोऑपरेशन किसके लिए, भलाई के कामों के लिए मिलजुल कर वर्क होता है, उसी कंट्री को हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड कहते हैं. अगर कोई मुसीबत में है और कंट्री के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कहला सकती. इसी पर हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अमृत सिंह, ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज, हैज आल्सो गिवन स्पेशल इम्पोर्टेंस टू सोशल वेलफेयर. सामाजिक कार्य जो होते हैं, भलाई के कार्य, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं. केवल अपना धन कमाना कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना नहीं होता है. द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इजीली. कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट आर एज फॉलोज. फर्स्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है. इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो पाता है, मतलब हमें होना चाहिए, इसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, जब एक कंट्री का नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम बढ़े. अ लॉन्ग पीरियड प्रोसेस, मैंने बोला ये हफ्ते, महीने, साल में नहीं होता है, ये एक लंबा समय है, 50 साल, 60 साल, ऐसे टाइम लगता है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मीन्स मिनरल्स और भी अदर रिसोर्सेज, जो कि उसका यूटिलाइजेशन मीन्स उपयोग प्रॉपरली होना चाहिए. इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोशल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर. लोगों का जो रहन सहन है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए और सोशल वेलफेयर के वर्क भी होने चाहिए. अब नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नए हैं. नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ अ कंट्री. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर. एक साल में एक कंट्री जो इनकम करती है वह आपके कमोडिटीज के थ्रू और सर्विसेज के थ्रू, चीज़ों के थ्रू और सर्विसेज मीन्स जॉब के थ्रू, मतलब टैक्सेस के थ्रू और जो भी हम अनाज वगैरह बेचकर, कुछ भी जो कंट्री के की इनकम होती है साल भर की, उसको नेशनल इनकम कहते हैं. नेशनल इनकम के फैक्ट्स, नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू ऑल द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड और इन एन ईयर. क्लियर है कि नेशनल इनकम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मात्रा सामान की और जो सर्विसेज की जो कि एक साल में होती है, उस पर रिलेट करता है.
Market prices of all kinds of goods and services are included in national income. Income in which price of one commodity is counted only once. एक चीज एक ही बार काउंट होती है. इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज एडेड टू इट एंड इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेनर्स फ्रॉम द कंट्री इज डिडक्टेड फ्रॉम इट. यस, फॉरेन कंट्रीज से जो हम इनकम करते हैं वह इस नेशनल इनकम में ऐड होता है, लेकिन विदेशी सामान जो हमारे यहाँ आकर बेचते हैं फॉरेनर्स का जो इनकम होता है वह उससे माइनस कर दिया जाता है. पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? पर कैपिटा इनकम, इसका फॉर्मूला देखिए. पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. जो भी हमारे साल भर की कमाई है और जो हमारी पॉपुलेशन है उससे जब हम साल भर की कमाई को डिवाइड कर देते हैं तो जो निकल के आता है वह पर कैपिटा इनकम होता है. पर कैपिटा इनकम मीन्स पर्टिकुलर पर्सन का साल भर की कमाई. उसी पर डेवलपमेंट और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का जो थ्योरी है वह डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम पर. इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. ग्रॉस नेशनल इनकम इज एक्सेप्टेड एज अ मेजर टू कंपेयर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जमाने से यही देखा गया है कि जिसका नेशनल इनकम ज़्यादा है उसी के लेवल पर हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज के बीच. अकॉर्डिंग टू दिस मेजर्स कंट्रीज हैविंग हायर इनकम आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू द कंट्रीज हैविंग लोअर इनकम. नेशनल इनकम जिस कंट्री का ज़्यादा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा समृद्ध देश है और जिसका नेशनल इनकम कम है उस कंपैरेटिवली वह कमजोर देश कहलाता है. बिकॉज द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज कंज्यूम मोर गुड्स ड्यू टू हायर इनकम बट द नेशनल इनकम इज नॉट अ प्रॉपर मेजर्स फॉर द कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज. द रीजन बिहाइंड दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सेप्टेड फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. ये भी एक रीज़न है कि हम ऐसे नेशनल इनकम को ही बेस करके ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है. बट किसी कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, हम चाहे जितना, हमारी कंट्री का यही प्रॉब्लम है कि हम चाहे जितना अनाज उगा लें जितना भी सर्विसेज दे दें लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वह आपके कम ही पड़ती है. तो ये एक हमारे कंट्री का डेवलपिंग होने का एक रीज़न है. यही एग्जाम्पल दिया है कि हमेशा नेशनल इनकम को ही बेस नहीं बनाना चाहिए. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड अ गुड मेजर्स फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. उससे बेटर है कि हम पर कैपिटा इनकम को बेस बनाएं. बट नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट कंसिडर्ड a good measure from the view point of total development because it gives importance only to the average income. Actually, facilities of health, education, housing, nutritive food, drinking water, etc. provided to common people should be included in the development. Yes, इसी को हमारे जो economist हैं वह कहते हैं कि इसको हमें measured बनाना चाहिए. किनको? कि एक country की हेल्थ फैसिलिटी क्या है, एजुकेशन कैसी है, घर सबको मिला है कि नहीं, जो खाना है न्यूट्रिटिव है कि नहीं, जो जनरल पीपल को मिलता है वो खाना न्यूट्रिटिव है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर साफ मिलता है कि नहीं. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी कंट्री को डेवलप और डेवलपिंग कहना चाहिए. ओके, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इसी के थ्रू यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसी कंट्री का ह्यूमन कितने आराम से कितनी व्यवस्थित रूप से रहता है उस हिसाब से किसी कंट्री को डेवलप और डेवलपिंग कह सकते हैं. ये फैक्ट्स क्या क्या हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम चेक कैसे करेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी
at time of birth for measuring a long and healthy life. जन्म के समय जीवन कितना ज्यादा लोगों को लोग बच्चे जीवित रहते हैं और लंबे समय तक हेल्दी और लंबा जीवन जीते हैं, ये एक पॉइंट हुआ कि कितने परसेंट लोग किसी कंट्री में बर्थ के टाइम जीवित रहते हैं और बाद में एक लंबा जीवन जीते हैं। सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ एडल्ट लिटरेसी एंड टोटल एनरोलमेंट रेशियो, बुजुर्ग लोग कितनी पढ़ाई करते हैं। लिटरेसी रेट मतलब शिक्षित होने वाला रेट एक कंट्री का कैसा है। पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर हेड अच्छे प्रोडक्ट्स या कितने मात्रा में एक कंट्री उत्पादित करती है, ये तीनों पॉइंट्स के हिसाब से हम एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं, जिसके हिसाब से हम हाई डेवलप्ड कंट्रीज, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज ये कहते हैं। हाई डेवलप्ड कंट्री 0.8 और मोर आर कंसिडरेडली हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.8 जिसका है और उससे ज़्यादा है वह हाईली डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, और 0.5 to 8 में मीडियम डेवलप्ड कंट्री और लेस डेवलप्ड कंट्री है 0.5 के नीचे, तो हमारा है 0.6, हम मीडियम डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं। और नॉर्वे है 1 नंबर जो कि आपके 0.9 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका। और रैंकिंग देखिए, नॉर्वे नंबर 1 और हम हैं 126, पाकिस्तान 134 एंड नाइजर, मोजाम्बिया, नेपाल आल्सो, ये आपके मीडियम डेवलप्ड कंट्री या लेस डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इसका भी चार्ट वैसे ही है और इसको थोड़ा फोकसली इस चार्ट से पढ़ लेते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो आपके एग्रीकल्चर बेस्ड होती है और डेवलप्ड कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं होती है। नेचुरल रिसोर्सेज का फुल यूज करते हैं, ये लगातार अभी भी ढूंढ रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज का फुल यूज करना बाकी है अभी भी उनके पास। पर कैपिटा इनकम बहुत होता है, कम होता है। कैपिटल फॉर्मेशन इंडस्ट्री हाई होती है, यहाँ लो होती है। इंडस्ट्री मेजॉरिटी, डेवलप्ड कंट्री में इंडस्ट्री ही मेजर होती है, हमारे यहाँ वो डेवलपिंग कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो नहीं कह सकते, डेवलपिंग कंट्रीज में लेस इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम होती है, वहाँ बेरोजगारी नहीं होती है डेवलप्ड कंट्रीज में, हमारे यहाँ या हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़्यादा होती है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस डेवलप्ड सफिशियंट, लेस डेवलप्ड। बैंकिंग और इंश्योरेंस में लोग अपने पैसे वगैरह प्रॉपरली सेव्ड रखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग में थोड़ा कम वो है, उनको जानकारी रहती है। बर्थ रेट सफिशियंट, डेथ रेट लो, बर्थ रेट कंपैरेटिवली नॉट सफिशियंट, लेस डेवलप्ड। ओके, डेथ रेट लो, डेथ रेट हाई। रूरल पॉपुलेशन लेस, गांव में लोग कम रहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर कंपैरेटिवली लेस, जीवन कितना लोग जिएंगे वह आपके डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा जीते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में कम जीते हैं। टेक्निकल एजुकेशन डेवलप्ड एक्सटेंसिवली नॉट डेवलप्ड, लिटरेसी ऑलमोस्ट टोटल लिटरेसी, डेवलप्ड कंट्रीज में सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेसी लेवल लो।
अब ये किस बेस पे हम किसी कंट्री को डेवलप्ड और डेवलपिंग कहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू हम यहाँ पर समझ लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज एन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2006 हैज यूज्ड टू मेजर ऑफ पर कैपिटा इनकम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दोज कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम ₹4,53,000 और मोर आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम 37,000 और लेस आर कंसिडर्ड एज डेवलपिंग कंट्री। ऐसे ही हमारे कंट्री डेवलपिंग होने पर भी हमारे कुछ स्टेट को हमने डेवलप्ड और डेवलपिंग में डिवाइड किया है। डेवलप्ड स्टेट है हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और डेवलपिंग में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा एंड बिहार। यहाँ की पर कैपिटा इनकम ऐसी है, इसीलिए इनको डेवलपिंग और इनको डेवलप्ड कहा गया है। डेवलप्ड कंट्री में 4,00,000 रुपए आपके ज्यादा होने पर वह डेवलप्ड कंट्री होती है, 4,50,000, और 37,000 या उससे कम अगर किसी का पर कैपिटा इनकम होता है तो वह आपके डेवलपिंग कंट्री होती है।